आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल का एक वर्ष पूरा कर लिया है। एक साल पूरा होने पर मऊ जिले के एक प्लाजा में एक साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें जिले के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल नंदी मुख्य अतिथि रहे। प्रभारी मंत्री ने इस दौरान प्रदेश सरकार की सारी योजनाओं और उपलब्धियों को कार्यकर्ताओं के बीच साझा किया, साथ ही कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सरकार की योजनाओं को बताने के लिए अपील किया। एक साल नई मिसाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश के स्टाफ तथा न्यायालय शुक्ल पंजीयन एवं नागरिक उड्डयन विभाग मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि प्रदेश हो या फिर हमारे देश की सरकार रही हो, हम लोगों ने चारों तरफ विकास किया। किसानों के कर्ज माफियों से लेकर गन्ना मूल्य का भुगतान समय से किया गया। प्रदेश की सरकार माफियाओं और गुंडों की उनके स्लीप ठिकाने यानी कि जेल में पहुंचाने का काम कर रही है। अपराध पर लगाम लगाने के कारण ही प्रदेश में उद्यमियों द्वारा उद्योग धंधे बड़े पैमाने पर लगाए जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे विभाग में भी सारी व्यवस्था ऑनलाइन कर दी गई है। हमारे विभाग भी पीएम मोदी की डिजिटल इंडिया के रास्ते पर चल पड़ा है। वही कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री से जिले के कुछ मनमाना करने वाले अधिकारियों के बारे में शिकायत किया, जिस पर मंत्री ने उनके खिलाफ कड़ाई करने का आश्वासन दिया। तरह से स्टाम्प विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी, हमने ऑनलाइन रजिस्ट्री का कि अपने घर बैठे ही आप अपने में कितने पैसे कितने रजिस्ट्री में कितना स्टैम्प लगेगा, लोग रजिस्ट्री के लिए नोटिस अपने हाथ से लिख करके देते थे। हमने निर्देशित किया कि नोटिस भी अब ऑनलाइन ही जाएगी। तो जो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है डिजिटल इंडिया, जब डिजिटल इंडिया होगा तो इस प्रदेश से भ्रष्टाचार मिटेगा और इस प्रदेश का विकास होगा, युवाओं को बहुत सारे फायदे। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबर के लिए मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में। तब तक चाहेंगे इजाजत। नमस्कार।